अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे हैदराबाद का फेमस चाकना बनाने की रेसिपी। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी देखने के बाद में अगर अच्छी लगती है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर इस रेसिपी को शेयर कीजिए। चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे चाकना। तो चाकना बनाने के लिए सबसे पहले अब हम बोटी लेंगे। यह है 1 किलो बोटी। तो बोटी को सबसे पहले हम अच्छे से गर्म पानी में साफ़ कर लेंगे। बोटी को अच्छे से धो लेने के बाद में हम इसको गर्म पानी में 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके भीगने के लिए छोड़ देंगे, तो इसमें की जो स्मेल है वो चली जाएगी। और जब आधा घंटा हो जाएगा इसको हम अच्छे से साफ धोकर रख लेंगे। तो ये देखिए, अब ये जो बोटी है, बोटी या फिर बट जो भी बोलते हैं आप लोग, ये अब अच्छे से साफ़ हो गई। तो अब हम पोटली मसाला लेंगे। पोटली मसाला बहुत ज़रूरी है चाकना बनाने के लिए। तो ये देखिए, बहुत से अलग अलग ब्रांड्स के आपको पोटली मसाला मिल जाएंगे, कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो अब हम पैकेट खोलेंगे और इसके बाद में पोटली मसाले में का जो भी मसाला है वो पूरा एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसके अंदर ये भी एक पाउडर की पैकेट आती, ये भी ऐड करना है। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता। तो कैसा कैसा ऐड करना है मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी। अब ये जो पोटली मसाला है इसमें का हम आधा आधा कर लेंगे। पहले ये जो पाउडर है मसाला, यानी कि जितने भी इसमें मसाले मिक्स है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधा आधा कर लेंगे। तो आधा जो है अब हम चाकने में डालने के लिए ले लेंगे। कोई भी कॉटन क्लॉथ में इस तरह से हम डालेंगे ये। तो इस तरह से ये पोटली मसाला हम कपड़े में बांध लेंगे। अब इसको अच्छे से बांध लेंगे। अब ये पोटली मसाले की पोटली बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, इस तरह से बना लेना है। अब ये जो बाकी का आधा पोटली मसाला है, इसको हम दोबारा से नहारी या फिर कुछ भी बनाना हो तो उसमें ऐड कर ले सकते हैं। इसको हम फिर से पैकेट में डाल के पैक करके रख लेंगे। तो इसको खुला नहीं रखना, इसमें की जो भी स्मेल है वो पूरी चली जाती। इसको दोबारा से पैक करके रख देंगे हम। तो चाकना बनाने के लिए सबसे पहले अब हम बोटी को गला लेंगे। प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे बोटी, और इसके बाद में ये जो पोटली मसाले की पोटली है वो भी ऐड कर लेंगे इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। तो बोटी के अंदर ये जो मसाले हैं और पोटली मसाले का जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से आ जाता है। तो ये ज़रूर ये सब चीज़ें ऐड करके इसको हम बोटी को गला लेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसके बाद में अब हम इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद में इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चाकना बनाने की रेसिपी, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग बनाकर ट्राई कीजिए। आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगी, ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी को। तो अब हम फ्लेम ऑन करेंगे, इसको 40 से 45 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम हीट पे। तो इस तरह से हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और पकने के लिए रख देंगे। और जब 40 से 45 मिनट हो जाएंगे, ये बोटी बहुत अच्छे से गल जाती। ये देखिए, अब ये जो बोटी है बहुत अच्छे से गल गई। प्रेशर कुकर का ढक्कन भी निकाल लेंगे हम फ्लेम ऑफ करके। अब इसमें का जो पोटली मसाला है वो भी निकाल लेंगे। इस तरह से अच्छे से दबाकर इसके अंदर का जो भी रसकस है वो सब अच्छे से निकल जाना। 2 चम्मच की मदद से हम इस तरह से इसको अच्छे से पोटली को दबाकर इसका जो रस है वो निकाल लेंगे। उसके बाद में ये जो पोटली है वो निकाल देंगे हम, क्योंकि अब इसके अंदर बोटी के अंदर पोटली मसाले का बहुत अच्छे से फ्लेवर आ गया, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो बोटी गल जाने के बाद में अब हम चाकना बनाना शुरू करेंगे। चाकना बनाने के लिए भगोने में अब हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, तो प्याज को अब हम बादामी कलर आने तक तलेंगे। तो ये देखिए, प्याज का जो कलर है अब अच्छे से चेंज हो गया। तो प्याज का कलर जैसे ही चेंज होगा, अब हम इसमें तेज पत्ता ऐड करेंगे। 4 तेज पत्ता है ये, और ये है पत्थर का फूल।
तो पत्थर का फूल मैं आप लोगों को जितना बता रही हूँ इतना ऐड कर लीजिए। पत्थर का फूल ऐड करने के बाद में हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए तलेंगे और इसके बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए इसके अंदर। हल्दी पाउडर 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर, तो चाखना जो है थोड़ा सा स्पाइसी रहता है इसकी वजह से हम इसमें मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड करेंगे, फिर भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए लाल मिर्च पाउडर। और ये है काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और ये वही पैकेट है जो पोटली मसाले में से निकली थी, तो इसमें से भी हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद में अब हम इसको कुछ सेकेंड्स के लिए तेल में इस तरह से तलेंगे। जवारी का आटा ऐड करेंगे अब इसमें 4 टेबल स्पून, 4 से 5 टेबल स्पून। जवारी के आटे के बदले में आप लोग गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब इसको भी भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। और जब 1 मिनट हो जाएंगे अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 1.5 लीटर पानी है ये। इसके बाद में अब हम पकी हुई बोटी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद में अच्छे से मिला लेंगे, तो ये जो जवारी का आटा है जैसे ही पकना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा होना शुरू होता है ये। बारीक कटा हुआ कोथमीर, पुदीना और हरी मिर्च ऐड करेंगे स्लिट की हुई। अब इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया, अब हम इसको ढक्कन से कवर करके पकने के लिए रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। और ये पका लेंगे हम मीडियम हीट पे। अगर इसको गाढ़ा करना है ज़्यादा और, तो एक कटोरे में हम पानी लेकर जवारी का आटा मिक्स करके इसका लिक्विड बनाकर इसमें ऐड कर लेंगे, जैसे कि हम कढ़ी बनाने के वक्त में हम आटे को लगाते, बिल्कुल इसी तरह से ऐड करके पका लेंगे तो ये जो चाकना है वो गाढ़ा हो जाता। तो ये देखिए अब ये जो चाकना है बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो 20 से 25 मिनट तक इसको मीडियम हीट पे पका लेने के बाद में हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको गार्निश कर लेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर से। तो इसको सर्व कर सकते हैं आप लोग रोटी या फिर नान के साथ में। वीडियो देखने के बाद में अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।